तो फ्रेंड्स, आज है हम लोग गया में, और गया में हम लोग एक पूजा के पर्पस आए हैं। हमारे पूर्वजों के लिए एक पूजा करना होता है, वो उसके लिए हम लोग गया में आज आए हैं। तो गया में आज हम लोग रुकेंगे, और अभी हम लोग एक सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने उधर गया में, जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी के बगल में वो पिंडदान होता है पूर्वजों के लिए, वो पूजा करने हम लोग जा रहे हैं। तो उधर से आने के बाद हम लोग इधर जो आस पास में ही है बोध गया, उधर भी जाएंगे, बोध गया टेम्पल देखेंगे। उधर सारे मॉनेस्ट्री बना हुआ है, वो सब देखेंगे। और आज का दिन हम लोग गया में रुकेंगे। तो अभी मैं जो सर्किट हाउस में हूँ, उसके बैलकोनी एक बड़ा सा है लॉन, उधर मैं खड़ी हूँ, उधर से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए, सुबह सुबह मैंने उठ के 6 बजे नहा लिया, 7 बजे हमें जाना है। तो ये देखिए इधर का, तो बैल्कनी से देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर व्यू है, ग्रीनरी बहुत सुंदर है। और इधर टेम्परेचर थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, गर्मी तो है इधर बहुत ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं पूजा करने, फिर उधर से आने के बाद फिर से आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमें हमारे पूर्वजों के लिए एक पूजा करना होता है, जो गया में आके पिंडदान के ये पूजा किया जाता है। तो पंडित जी हमारे साथ आए हुए हैं। इधर 3 जगह पे पिंडदान होता है, एक फल्गु नदी जो है उसके सामने, और दूसरा नारायण है, नारायण की मूर्ति है उनके सामने, और तीसरा है एक बरगद का पेड़, उन तीन उनके उसके सामने पूजा किया जाता है, पिंडदान दिया जाता है पूर्वजों के लिए। तो जो अभी वही पूजा चल रहा है, पंडित जी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा समझा के सब कुछ बोल रहे थे, और अच्छी तरह से हमारा ये पूजा करवा रहे थे। बहुत ही अच्छे से मन के शांति से हम लोगों ने ये पूजा किया। ये रहा वो बरगद का पेड़। इधर भी हमें एक बार पिंडदान किया करना होता है, फल्गु नदी के किनारे भी एक बार किया हो करना होता है, और विष्णु के चरण में भी एक बार करके देना होता है। ये रहा फल्गु नदी, जिसके ऊपर से बिल्कुल रेत है, नीचे पानी है। इस नदी का महत्व कुछ अलग ही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं बोधगया देखने। सुबह तो पूजा करके गया में आ गए थे, उसके बाद ही हम लोगों को जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप इधर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए दिन में नहीं गए। तो अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, इवनिंग टाइम हो रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा धूप का तेज कम हो गया, तो अभी सोचा कि अभी इस टाइम जाके घूम के आ जाते हैं बोध टेम्पल, बोधगया में जो जो मॉनेस्ट्री है, टेम्पल है, वो सब देखने के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग। तो बोध गया में एक जगह के बाद आप कार लेके अंदर नहीं जा सकते हो, तो कार को हम लोगों ने साइड में पार्किंग कर दिया, और एक रिक्शा लेके जो जो मॉनेस्ट्री है उसके सामने हम लोगों ने गए, और वहाँ वो मॉनेस्ट्री का दर्शन किया। तो रिक्शा वाला भैया बहुत ही अच्छे थे, सारे मॉनेस्ट्री हम लोगों को घुमा दिए अच्छी तरह से, लेकिन कोविड के चक्कर में बहुत सारे मॉनेस्ट्री बंद था उस टाइम। और 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद सब बाकी जो खुला हुआ है वो भी बंद हो जाता है, तो हम लोगों को आने में थोड़ा सा लेट ही हो गया था। तो ये कुछ कुछ हम लोगों ने बाहर से दर्शन किया, और कुछ कुछ बंद भी हो गया था। तो जो जो हम लोगों ने देखा वो आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। तो ये रहा सबसे बड़ा ग्रेट बुद्धा स्टैचू, ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसका हाइट है 64 फीट। 1982 में ये बनाया गया था, और मतलब बनाना स्टार्ट किया हुआ था, और 1989 में ये इनोग्रेट हो गया था। तो ये ग्रेट बुद्धा स्टैचू है, ये बहुत ही सुंदर है। मैं बचपन में भी एक बार आई थी, मेरे मम्मी के साथ, भैया के साथ, तब भी मैं इधर आई थी। ये बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। तो इधर खड़े होके हम लोगों ने कुछ फ़ोटो फोटो भी खींचा लिया। सब लोग आते हैं, जब जो लोग गया बोधगया में आते हैं वो लोग जरूर ये एक बार देखते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा सा है ये बुद्धा का स्टैचू, और अगर आप सामने से देखोगे तो थोड़ी देर देखने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा, इतना सुंदर है ये स्टैचू, इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है हुआ है ये स्टैचू। तो देखिए कितना सुंदर है।
जो लोग बोधगया में कभी आना चाहते हो, कभी आओगे तो ज़रूर एक बार ये स्टैचू इसके पास भी आना, द ग्रेट बौद्ध स्टैचू के पास ज़रूर आना, देखना बहुत ही सुंदर है। कैमरा में तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप सामने से अगर देखोगे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो वो दर्शन करने के बाद बाकी और भी इधर बहुत सारे मॉनेस्ट्री है, वो सब हम लोगों ने देखने की कोशिश किया, या अलग अलग लोग अलग अलग जगह से लोग आके मॉनेस्ट्री बनाया, जैसे तिब्बतियन मॉनेस्ट्री है, उसके बाद चाइनीज़ है, जापानीज़ है, ये सारे बहुत सारे मॉनेस्ट्री है। लेकिन मैंने बोला ना कोविड के चक्कर में बहुत सारे बंद था, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देख नहीं पाए, बाहर से ही हम लोगों ने देखा था, क्योंकि कुछ कुछ मॉनेस्ट्री बंद हो गया था। तो जितना भी हो सकता है, जितना भी कैप्चर हो सकता है, मैंने वो वीडियो किया था। तो ये भी और एक मॉनेस्ट्री है, इसमें बहुत सारे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो चढ़ के वो बुद्ध देव का स्टैचू बनाया हुआ है, तो देखना होता है, बहुत ही सुंदर होता है ये। तो मैं भी जा रही हूँ अभी, लेकिन ये बंद होने का टाइम हो गया था तो ज़्यादा देर तक मैं देख नहीं पाई। इसके अंदर कैमरा अलाउ था तो मैं लेके थोड़ा सा वीडियो कर लिया था। देखिए ये भी बुद्ध का बहुत ही सुंदर एक स्टैचू है। देखने में बहुत सुंदर है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए कितना सुंदर है। और इसके अंदर मॉनेस्ट्री के अंदर तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही शांत, मतलब शांत होता है, उधर आप लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये रहा और एक मॉनेस्ट्री, ये भी बहुत काफ़ी सुंदर है देखने में। तो इसके अंदर भी हम लोग गए थे, लेकिन सब लोगों को पता है 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो बहुत लोग जल्दी आके देख के चले गए, हमें तो उतना पता नहीं था। तो जब जिस टाइम हम लोग गए थे तब बंद होने का टाइम हो गया था, देखिए डोर बंद कर रहा है, तो जल्दी से हम लोगों ने अंदर से थोड़ा सा दर्शन करके आ गए थे, फिर ये गेट बंद हो गया, क्या कर सकता है। फिर हम लोग जाते जाते रास्ते में भी बहुत सारे मॉनेस्ट्री देखा, लेकिन वही गेट बंद था, तो बाहर से ही मैंने देखा और वीडियो भी कर लिया था। तो ये देखिए और एक मॉनेस्ट्री है, इतना सुंदर बनाया गया है मॉनेस्ट्री, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये वाले भी मैं अंदर से जाके थोड़ा सा दरवाज़ा बंद, दरवाजे के बाहर से ही थोड़ा सा वीडियो कर लिया था, तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना सुंदर है, देखिए कितना अच्छी तरह से ये बनाया गया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स अंदर से भी ये ऐसे देखने में है, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी देखने में बहुत सुंदर है। तो ये बंद था इसलिए बाहर से मैंने दिखाया आप लोगों को, तो देखिए कैसा लग रहा है। और सारे मॉनेस्ट्रियों के सामने बाहर के तरफ बहुत सारे दुकान है, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, गिफ्ट पर्पस आप खरीद सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलते हैं, चीज़ मिलते हैं जो आप गिफ्ट के पर्पस भी ले सकते हो, अपने घर के सजावट के लिए भी ले सकते हो। तो उसके बाद हम लोग आ चुके थे महाबोधि टेम्पल में। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोधि टी है, यानी कि बरगद का पेड़ है, उसके नीचे गौतम बुद्ध ने अपना शीतलाप किया था। तो ये इस टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो बाहर से ही हम लोगों ने एक गाइड ले लिए थे, उन्होंने ही बहुत अच्छी तरह से हमें समझा दिया था। तो अभी देखिए, ये महाबोधि टेम्पल है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वो जगह है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को इनलाइटनमेंट हुआ था 528 BC में, फुल मून के दिन, वो बैसाख फुल मून था। और इस टेम्पल के बिहाइंड में वो ट्री है जिसे बोधि ट्री कहते हैं, वहाँ उनको इनलाइटनमेंट हुआ।
बुद्ध को जब इनलाइटनमेंट हुआ उनके 250 ईयर्स के बाद सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के राजा थे उन्होंने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया 3rd century BC, पर उन्होंने इसे पूरा नहीं सिर्फ 30 फीट तक बनाया था, बाकी जो 150 फीट है वो उसको बनाने में कई राजाओं का योगदान है जिसमें 2nd century AD कुशाना डायनेस्टी का उल्लेखनीय योगदान है। जब ये पूरा 150 फीट हो गया तो 12th century में यहाँ पर एक मुस्लिम इन्वेडर आए जिनका नाम बख्तियार खिलजी था, उन्होंने इसको डेमोलिश करके 30 फीट मिट्टी में ढक दिया और फिर 1876 में लॉर्ड कनिंघम आए, उन्होंने इसको पूरा एक्सकेविशन किया। इस महाबोधि मंदिर परिसर का जो सबसे खास बात है कि ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है जहाँ लोग आते हैं, अनेक तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। कहते हैं यहाँ से किया गया किसी भी तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है वो ईस्टर्न रिजल्ट लेके आता है। बुद्ध खुद इस बात के एक बहुत बड़े सबूत थे। जब उन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्ति की तो उन्होंने इसके फरमाइसिस के अंदर में 49 डेज बिताया था। 49 डेज का मतलब 7 वीक, 7 वीक 7 सप्ताह बिताने के बाद वो यहाँ से सारनाथ चले गए थे और सारनाथ से वो 45 साल तक पूरे भारत में अपने धर्म का प्रचार किया। जब वे 80 वर्ष के हुए तो कुशीनगर गोरखपुर के पास उनका देहांत हुआ। तो ये बोधगया जो है ये इनलाइटनमेंट प्लेस है और ये पूरा अलाइव है आज भी। अगर कोई पूरी दक्षता के साथ यहाँ मेडिटेशन करता है तो उसका मेडिटेशन फलीभूत हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो गाइड वाले भैया से आप लोगों ने सुनी लिया इस मंदिर के महत्व के बारे में। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए थे, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है ये जगह। आप लोग बोधगया आओगे तो इस जगह पे ज़रूर एक बार आना। फ्रेंड्स अभी अभी हम लोगों ने बोधगया देख के घर वापस आए, मतलब सर्किट हाउस में वापस आए और कल सुबह 4 बजे हमें निकलना है दिल्ली के लिए। फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया मैंने बोधगया का जितना भी टूर हो पाए, जितना भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था वो दे दिया, जितना भी हम लोग देख पाए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, हम मुझे भी आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर आप लोग गया में आए हो तो बोधगया जरूर एक बार जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री बना हुआ है। कोविड के चक्कर में बहुत सारे बंद, अंदर से बंद थे और हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे इसलिए डोर बंद हो गया था। 6 बजे बहुत सारा मंदिर मतलब बंद हो जाता है। तो आप लोग अगर आएंगे तो थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, दिन में बहुत ज़्यादा धूप था इसलिए हम लोगों ने नहीं आ पाए। शाम को 4 बजे के बाद ही हम लोग निकले देखने के लिए। तो जो भी हो, जो जो चीज़ मेन था वो सब देख लिया और कल सुबह हम लोगों को निकलना है दिल्ली के लिए। तो गया से दिल्ली दिखा रहा है 20 आवर्स लगेगा जाने में, तो बहुत दूर का सफ़र है। कोशिश करूंगी कल तक पहुंच जाने का अगर तबीयत ठीक रहे तो, और अगर तबीयत थोड़ा सा ख़राब लगे या उनको ड्राइव करने में थोड़ा सा तकलीफ हो तो कल रात को कहीं हॉल्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी घर ही जाना है, उतना जल्दी भी अभी कुछ नहीं है, आराम से जाएंगे। तो आज इसलिए जल्दी हम लोग और कुछ जगह नहीं घूमे और अभी बज रहे 8:30 बजे तक डिनर आ जाएगा। हम लोग सर्किट हाउस में रुके हैं और इधर ही डिनर कर लेंगे आज करके, क्योंकि जल्दी सोना है, कल 4 बजे निकलना है सुबह का। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो फिर आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना, जो लोग नए आए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में ठीक है बेल का आइकन, उसको एक बार प्रेस करके ऑल में सेट कर लीजिए ताकि मेरा जब भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब लोग अच्छे से रहिएगा।